अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा जो सिलाब के अंदर अंडरग्राउंड पाइपलाइन होती है वो किस तरह से डाली जाती है। दोस्तों जो कोई भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहता है, जिनका इलेक्ट्रिक में इंटरेस्ट है और ये काम करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही काम की वीडियो है। इसकी वीडियो से उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। दोस्तों इसके अंदर दो बेडरूम है और 15x12 का हॉल है, जिसके अंदर दो फैन बॉक्स है। दोस्तों ये एक पाइप मैंने MCB के लिए डाला हूँ और MCB से लेके तो ये फैन बॉक्स के अंदर मैंने पाइप को अटैच किया हूँ। और जो दूसरा पाइप है ये एक दीवार के अंदर, हॉल की दीवार के अंदर नीचे साइड डाला हूँ, जो नीचे की साइड डालना पड़ता है। और जो दूसरा पाइप है फैन बॉक्स से होते हुए ये दूसरी दीवार के नीचे डाला हो, 25 mm बैंड लगा कर ये दीवार की तरफ मैंने एक पाइप नीचे छोड़ा हो। और जो तीसरा पाइप है दोस्तों, जो मैंने दीवार की तीसरी साइड के तरफ डाला हो, बैंड मारकर नीचे की साइड लगाया हो। और जो चौथा पाइप फैन बॉक्स से निकला हो, जो फैन बॉक्स में अटैच किया था वो ये वाले फैन बॉक्स के अंदर अटैच हुआ है। हॉल के अंदर दो फैन बॉक्स है और ये जो फैन बॉक्स में दूसरे फैन बॉक्स के अंदर से पाइपलाइन निकली है वही जाली नीचे की साइड दीवार के अंदर डाला हो। दोस्तों सिर्फ इतना याद रखें, आप रूम के अंदर सबसे पहले रूम का सेंटर निकाल लें और सेंटर निकालने के बाद फैन बॉक्स से चारों पाइप चारों दीवार के अंदर छोड़ दे, बैंड लगा के नीचे छोड़ दे। तो दोस्तों इसके पाइपलाइन करना बहुत आसान है, सिर्फ इतना ख्याल रखें सेंटर निकाल कर इसके चारों दीवार पर चार पाइप छोड़ना पड़ते हैं। तो ये हो गया हॉल के कनेक्शन। अब मैं आपको सिखाऊंगा जो बेडरूम के कनेक्शन होते हैं वो मैंने किस तरह से किया हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और जो कुछ भी आपके समझ में नहीं आया वो आप मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो बेडरूम का फैन बॉक्स से मैंने ये पाइप लेकर आया हूँ और दीवार के अंदर डाला हूँ, और दूसरा जो पाइप है मैंने ये फैन बॉक्स के दूसरी साइड से निकाल कर ये दूसरी दीवार की साइड डाला हूँ। दोस्तों जो तीसरा पाइप है फैन बॉक्स से निकल रहा है, जो मैंने ये तीसरी दीवार के साइड नीचे बैंड मार के डाला हूँ। और जो ये बैंड मार के दूसरी दीवार के साइड दिख रहा है पाइप, ये GB लगा हुआ है, ये 3 फुट की गैलरी है। गैलरी के अंदर मैंने सीलिंग में लाइट 2 दिया हूँ, जिसका सेंटर मैंने यहाँ पर 1 GB सेंटर में लगाया और उधर की बालकनी का सेंटर लगाया उसके अंदर 2 मैंने GB लगाया हूँ। और जो चौथा पाइप निकल रहा है फैन बॉक्स का, ये भी मैंने बैंड मार के दीवार के अंदर नीचे के साइड छोड़ दिया हूँ। तो इसी तरह से इसकी पाइपलाइन होती है दोस्तों, ये पाइपलाइन करना बहुत आसान है। दोस्तों ये टोटल बेडरूम का हो गया और हॉल का हो गया। अब जो दूसरा बेडरूम है उसकी मैं पाइपलाइन आपको बताता हूँ कि बीच में मैंने सेंटर में फैन बॉक्स लगाया हो और इसी के चारों तरफ मैंने पाइपलाइन घुमा के चारों दीवार के अंदर पाइपलाइन किया हो। तो दोस्तों आपको भी इलेक्ट्रिक का काम सीखना है या फिर आपको कुछ चीज़ मेरे वीडियो में समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं आपको A to Z इसकी जानकारी दूँगा और इसकी डायग्राम बनाकर भी आपको दूंगा और YouTube पे अपलोड करूंगा। दोस्तों ये मेरे 2 बेडरूम और हॉल के पाइपलाइन हो गई है, और मैं आपको जो सामने का पोर्च है, जिसमें सामने पोर्च है, उसकी पाइपलाइन बताता हूँ मैंने किस तरह से करी है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक के पाइपलाइन के अंदर सिर्फ इतना ख्याल रखना होता है कि फैन बॉक्स सेंटर में लगा के चारों तरफ पाइपलाइन घुमाना होता है, और जहाँ पर भी MC बॉक्स आप लगा रहे हो वहाँ से एक पाइप लेके फैन बॉक्स में अंदर अटैच करना था। इसकी फिटिंग बहुत सिंपल थी, इसी तरह से 4 पाइप भी इसमें मैंने लगाया हूँ। तो मैं आपको अब सामने के जो पोर्च है उसकी पाइपलाइन बताऊंगा कि मैंने उसके अंदर पाइपलाइन किस तरह से करा हूँ। दोस्तों जो मैंने पाइप इस्तेमाल किया उसके अंदर 25 mm का पाइप इस्तेमाल करा, और 25 mm का ही इस्तेमाल आपको करना है। दोस्तों ये सामने का पोर्च है, इस पोर्च में दोस्तों मैंने 6 GB लगाया हूँ, और 6 GB जो अभी GB लाइट आ रही है उसके लिए इस्तेमाल किया हूँ। तो दोस्तों इसकी पाइपलाइन मैंने यहाँ पर जो दोस्तों GB का साइड मैंने GB लगाया हूँ, और GB लगाने के बाद ये दूसरी GB में अटैच किया हूँ 4-way में, और 4-way से होते हुए सेंटर में GB लगा के
मैंने एक बाहर के तरफ एक पाइप छोड़ा हो ताकि मीटर के इसके अंदर कनेक्शन आएंगे, और जो मीटर के कनेक्शन न्यूट्रल पर अर्थिंग वायर आएगी ये पाइप से होते हुए दीवार के अंदर जाएगी और जहरी मारकर वहाँ एमसी बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। दोस्तों ये 2 GB हो गया, और 3री GB मैंने यहाँ पर 2 फुट छोड़कर ये इधर साइड में GB लगाया, और एक पाइप जो अपने सामने के लिए लाइट के लिए इस्तेमाल किया हो, और जो बीच में से JB के अंदर से पाइपलाइन करते हुए सेंटर में JB लगाया हो, और इधर साइड में एक JB 2 फुट छोड़कर लगाया हो, और दूसरी साइड में भी 2 फुट छोड़कर एक JB लगाया हो। तो दोस्तों मैंने इसके अंदर टोटल 6 GB लगाया, जो JB लाइट के लिए मैं इस्तेमाल किया हूँ। तो इसी तरह से दोस्तों इसकी पाइपलाइन की जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।